अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ये ना हमने नया स्टोव लिया है जो कि इलेक्ट्रिक स्टोव था पहले हमारे घर में, और मुझे उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो फिर हमने ये ना गैस वाला ऑर्डर किया है। इलेक्ट्रिक स्टोव पे ना रोटी अच्छे से नहीं बनती, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। तो ये देखें, ये वो स्टोव है जो हम चेंज करने लगे हैं। आप देख सकते हैं कि ये बहुत गंदा रहता है, इसको जितना भी क्लीन कर लें। और ये ना मैं एक बार मेरे हस्बैंड क्लीनिंग करने लगे थे तो कोई इन्होंने फ्लोइड ऊपर डाला और वो उसके ना ये दाग पड़ गए, तो वो खराब हो गया, यानी कि दाग जा ही नहीं रहे थे। और ये इतना गंदा रहता है। वैसे भी ये बिजली पे था, तो मुझे ना ये वाला बिल्कुल नहीं पसंद, इस पर रोटी अच्छी नहीं बनती, तो इसलिए हम लोगों ने नया लिया, वो लगाएंगे। और इसको ना आप लोग फिर पूछते हैं कि ना ये चीज़ें कहाँ जाती हैं, ये यहाँ पे ट्रैश में जाती हैं ये चीज़ें, इसको हमने फेंक देना और हमने यहाँ पे न्यू लगा लेना। यहाँ पे बंदा किसी को दे नहीं सकता ना, यहाँ पे आपको पता है हर बंदा ये अच्छी से अच्छी चीज लेता है, तो ये बहुत गंदा हुआ है। ये देखें तो ये, और वो जो लगने लगे ना वो गैस वाला है, और गैस पे ना रोटी अच्छी बनती है। हमारे दूसरे घर में गैस वाला ना, तो मुझे वो बहुत पसंद है, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि यार मुझे प्लीज चेंज कर दे। फिर उन्होंने कहा ओके, तो अब हम चेंज करने लगे हैं। ये देखें कितना गंदा हुआ था, ये हमने बाहर रख दिया। बिल्कुल ठीक है वैसे, बस ये है कि अगर कोई बंदा इतनी हिम्मत करे इसको साफ कर ले ना, तो वो लेके जा सकता है। मैंने अपने हस्बैंड को कहा है कि ट्रैश करने से पहले ना आप इसका एक ऐड लगाएं कि फ्री में, मतलब फेसबुक मार्केट प्लेस पे लगाएं कि फ्री में कोई उठा के लेना चाहता है तो ले जाए। तो बस ये है कि क्लीन करना पड़ेगा, बाकी बिल्कुल ठीक है, ख़राब बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए, ये हमारा नया स्टोव रेडी हो गया गैस वाला। थैंक यू जानी ये लगवाने के लिए। इनको मैंने कहा था कि मुझे वो बिजली वाला पसंद नहीं है, तो आप चेंज करवाएं, तो चेंज करवा दिया। देखें कितना नया है, तो ऐसे ही नया साफ भी रहा करें। यार इसको साफ करना ज़्यादा वो नहीं अच्छा, ही ऊपर से उतर जाता है, तो बहुत ही आसान है साफ करना, ये तो बड़ी आसानी से जानी साफ हो जाया करेगा। अब मैं ना इसे पहली बार ओपन मतलब ऑन करने लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हो गया ऑन। तो एकदम से मुझे याद आया कि आप सबने कहना है कि आपने ऊपर से दिखाया, अंदर से तो दिखाया ही नहीं, तो फिर मैंने कहा मैं जल्दी से ये देखो, ये ऊपर ना तवा बना हुआ है बहुत खूबसूरत, और इसके ऊपर ना रोटी बना सकते हो जो ऊपर है, और ये नीचे ओवन है, एक बड़ा वाला ओवन है और एक इसमें ये छोटा वाला ओवन है। तो पहले वाला जो मेरा इलेक्ट्रिक स्टोव था ना, वो मुझे बहुत बुरा लगता था, मतलब वो गंदा भी बहुत हुआ था जब मेरे हस्बैंड ने घर लिया था, वो तब का घर के अंदर था, तो इस वजह से ऑब्वियसली इतना पुराना हो गया हुआ था, तो उसमें वो ना गंदा हो गया हुआ था, उसको जितना भी क्लीन करते थे वो क्लीन होता ही नहीं था। तो शुक्र है फाइनली अब मेरा स्टोव चेंज हो गया, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हो गया। थैंक यू सो मच अल्लाह ताला जी, थैंक यू सो मच। और ये ना मैं इसके ऊपर देखें, फर्स्ट टाइम मैं कुकिंग कर रही हूँ, और मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई। ये लेके आए थे चिकन, तो मैं चिकन कढ़ाई बना रही हूँ, और इस टाइम मैंने जयान को गोद में उठाया हुआ है, क्योंकि जयान ना बहुत इशू क्रिएट करता है, कुछ भी नहीं करने देता। तो गाइस कढ़ाई मेरी हो गई है रेडी, मैंने कहा मैं आप लोगों को कढ़ाई भी थोड़ी सी दिखा दूं। और अब नान मैं गर्म कर रही हूँ, और इस कढ़ाई के साथ हम नान खाएंगे। अभी मैंने की है क्लीनिंग रात को दोबारा से, यानी ये देखें रात के हो गए 11:15, तो दोबारा से क्लीनिंग की है। तो क्लीनिंग करके ना, तो मैंने कहा कि चलो अब हमारे सोने का टाइम, थोड़ी देर में ना मैं बच्चों को ऊपर ले जाऊंगी। जोया तो बहुत लेट सोती है, लेकिन जयान को कोशिश करूंगी कि जल्दी सो जाए, लेट्स सी कि कितने बजे सोता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।